नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस अपराध की वारदात सुनाने जा रहे हैं वह वारदात है महाराष्ट्र के पालगढ़ की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है कैरल मिस्किटा के कत्ल की। कैरल मिस्किटा और जीको मिस्किटा ना सिर्फ एक दूसरे को दिलों जान से प्यार करते थे बल्कि आपस में शादी भी करना चाहते थे। पालगढ़ मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले हाईवे पे बसा हुआ एक शहर है। इसी शहर में 3 फरवरी 2022 की शाम को एक आम आदमी जिसका नाम नामदेव था, उसे हाईवे के बीचों बीच जाने वाले एक नाले के बड़े पाइप्स में एक इंसान की लाश दिखाई देती है जो बुरी तरह से सड़ चुकी होती है और उसमें से बहुत ही गंध आ रही होती है। नामदेव ने बिना सोचे समझे पुलिस को कॉल किया और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पालगढ़ थाना के इंस्पेक्टर विशु अपनी टीम को लेकर वारदात वाली जगह पर पहुंच गए और शव को नाले से निकालकर अपने हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर विष्णु ने देखा कि शव पर चाकुओं से बहुत से वार किए गए थे और उसका चेहरा किसी भारी चीज से कुचला गया था ताकि कोई इसे पहचान ना सके। वैसे भी चेहरे और शरीर का बड़ा हिस्सा मछली और दूसरे जीव खा चुके थे, पर कपड़ों की वजह से ये पता चल पा रहा था कि मरने वाली कोई जवान लड़की होगी। शव जिस तरह से सड़ा हुआ था उससे ये बात भी साबित होती है कि शव पिछले कुछ दिनों से पानी में ही पड़ा हुआ था। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। फोरेंसिक टीम ने उस शव मिलने पर उस जगह पे आसपास छानबीन करनी शुरू कर दी, फिर वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे शव की पहचान हो सके। उन्होंने आसपास के इलाके के लोगों को बुला के भी शव की जाँच करनी चाहिए, पर उनकी ये कोशिश भी सफल नहीं हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी कि जवान लड़की के गायब होने की खबर मिले, पर उसमें भी पुलिस को असफलता ही मिली। उसी दिन थाना पालगढ़ में अज्ञात हथियारों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शव हाईवे पर मिलने की वजह से यह आशंका थी कि या तो वो शव कहीं से बहकर आया है या किसी ने वहां लाकर टिका दिया होगा। इसी आशंका के चलते उस जगह के SP ने एक विशेष टीम का गठन किया। उस टीम ने बिना समय गवाए जांच शुरू कर दी। मुंबई के आसपास के थानों में पूछताछ शुरू की। फिर उन्हें ये पता लगा कि सांता क्रूज थाने में करीब 10 दिन पहले एक लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 28 साल की उस लड़की का नाम कैरल उर्फ पिंकी मिस्किटा था, जो 24 जनवरी 2022 को गायब हो गई थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। सांता क्रूज पुलिस छट से कैरल के घर पे पहुंच गई, जहां सिर्फ कैरल की बूढ़ी माँ कैथरीन थी। पुलिस को वहां एक दो रिश्तेदार भी मिले। पुलिस ने कैथरीन को घटना के बारे में बताया और उसे पालगढ़ ले गई और वहाँ मॉर्चरी में रखे हुए शव को दिखाया। वह शव इतना सड़ चुका था कि परिवार वालों के लिए भी उसको पहचानना मुश्किल था, पर कैथरीन की बूढ़ी माँ ने कैरल की कमर पर बने तितली और दिल के टैटू से उसे पहचान लिया। चानाकात होते ही पुलिस की उम्मीद जागी कि वो इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को भी सुलझा लेगी। पुलिस को कैथरीन से पूछताछ करने पे ये पता चला कि कैरल के पिछले 5 साल से मुंबई के एक लड़के जीको मिस्किटा साथ रिलेशन चल रहे थे। कैथरीन ने बताया कि उनके बेटे का कत्ल जीको ने ही करा है। अफेयर होने की वजह से पिछले कुछ महीनों से उनके बीच खटपट चल रही थी। कैथरीन ने बताया कि 24 जनवरी को कैरल डॉक्टर को अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने के लिए स्कूटी से गई थी, मगर वह वापस नहीं आई। कैथरीन ने बताया कि कैरल ने करीब रात 8 बजे फोन करके बताया था कि उसे वापस आने में देरी हो जाएगी क्योंकि वह अपने किसी दोस्त के साथ है, पर सुबह तक ना वो वापस आई और ना उसका फोन लगा। थक कर उसने पुलिस को बताने की सोची और थाने चली गई, मगर उस दिन सांता क्रूज पुलिस निर्भया हेल्पलाइन के उद्घाटन में इतनी नायसत थी कि कैथरीन की रिटर्न रिपोर्ट नहीं हो पाई और उसे बाद में आने को बोला। लापता होने की खबर सुनते ही उनके आसपास के कई रिश्तेदार भी उनके घर आ गए। कैरल की हम उम्र की 2 कजिन सिस्टर भी वहाँ आ गए। कैरल अपने दिल की हर बात उन दोनों को बताती थी, बट इस पर उन दोनों को भी कुछ भी मालूम नहीं था। सबको मालूम था कि कैरल के जीको के साथ प्रेम संबंध थे और शक हुआ कि कहीं कैरल जीको के साथ भाग तो नहीं गई। कमरे की तलाशी लेने पर कैथरीन ने देखा कि कैरल के कपड़े वैसे ही पड़े हैं, मगर उसने वहाँ एक डायरी मिली जिसमें उसे एक पत्र मिला जो कैरल ने शायद जीको को लिखा था, मगर वह उसे दे नहीं पाई थी। पत्र पढ़ते ही कैथरीन और रिश्तेदारों को यकीन हो गया था कि कैरल के लापता होने के पीछे जीको का ही हाथ है। कैथरीन को लगा कि पुलिस इतनी आसानी से उसका केस नहीं लिखेगी, इसलिए वे अपने साथ कुछ रिश्तेदारों और NGO के कार्यकर्ता अनीता को भी ले गई थी। अनीता ने थाने पहुंचने से पहले ही अपने जानकारों से उच्च अधिकारियों को फोन करवा दिया था
और पुलिस ने कैथरीन के FIR को दर्ज कर लिया था। कैथरीन ने कैरल के लापता होने के पीछे जीको का हाथ बताया तो पुलिस ने वजह पूछने पर कैथरीन ने वो पत्र पुलिस के सामने रख दिया जिसमें ये लिखा था कि जीको उसके साथ बेवफाई कर रहा है। इसके चलते ही पुलिस ने जीको को पूछताछ के लिए बुला लिया पर पुलिस को कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो सका तो उसने उन्हें क्लीन चिट देकर छोड़ दिया। अब पालगढ़ पुलिस को सांता क्रूज पुलिस से पूछताछ करने से पता चला कि पुलिस पहले ही जीको को क्लीन चिट दे चुकी है। तो पालगढ़ पुलिस ने जीको से पूछताछ करने से पहले हाईवे पर लगे CCTV की फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कैरल के घर वालों से पूछताछ शुरू की और कैरल का मोबाइल नंबर हासिल किया। जहाँ पुलिस को शव मिला था वहाँ कोई CCTV नहीं था मगर वहाँ से कैरल के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पे घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर लगे CCTV की 24 और 25 की फुटेज देखनी शुरू की। पुलिस की कोशिश रंग लाई और उस फुटेज में कैरल जीको के साथ दिख गई। उस फुटेज में कैरल जीको के साथ घटना स्थल पर जाती हुई दिखाई दे रही थी और उनकी स्कूटी के साथ एक शख्स बुलेट मोटरसाइकिल पर चलता हुआ लगातार दिख रहा था मानो उसको फॉलो कर रहा हो। जीको से पूछताछ करने से पहले पुलिस थोड़ा और तहकीकात कर लेना चाहती थी। पुलिस ने उन दोनों की कॉल डिटेल्स निकाल कर देखी तो शक और पक्का हो गया क्योंकि उस दिन उन दोनों ने फोन पर काफी बात की थी। कैरल के लापता होने के दिन कैरल और जीको की फोन की लोकेशन भी मिल रही थी जिसके बाद परिवार वालों ने वो पत्र भी पुलिस को सौंप दिया जिसमें कैरल ने जीको के बारे में लिखा था। इसके बाद पुलिस ने जीको को हिरासत में ले लिया और पूछताछ करनी शुरू कर दी। फुटेज देखकर पुलिस के सामने थोड़ी आनाकानी करने के बाद वो निरुत्तर हो गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को जो कहानी बताई वह दिल दहला लेने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि वह कैरल से पीछा छुड़ाना चाहता था। कैरल जीको से 2017 में एक दोस्त के द्वारा मिली थी और उम्र होने की वजह से दोनों में दोस्ती हो गई जो वक्त के साथ प्यार में बदल गई। जीको कोरोना से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था मगर कोरोना की वजह से उसकी नौकरी चली गई और वह अपने पिता की कैटरिंग के काम में हाथ बटाने लगा। कैरल ने जीको पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जीको ने अपने माता पिता से जब बात करी तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि शादी एक अमीर खानदान में करना चाहते थे पर कैरल एक विधवा माँ की बेटी थी। माता पिता के मना करने के बाद जीको ने कैरल से दूरी बनानी शुरू कर दी। रान जीको की मुलाकात एक अमीर घर की लड़की से हुई और वो दोनों जल्द ही प्यार में पड़ गए। कैरल जीको से जब भी शादी की बात करती तो वह इग्नोर कर देता। धीरे धीरे कैरल को पता चल गया कि जीको किसी और के साथ रिलेशन में है जिसके बाद वह उदास रहने लगी और एक दिन उसने जीको को बोला कि अगर उसने उसके अलावा कहीं और शादी कर ली तो वह पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। उसने शादी के नाम पर उसकी इज्जत से खिलवाड़ कराया और जीको को दबाव में आकर कैरल से मुलाकात करनी पड़ती थी। प्यार होने की वजह से जीको कैरल की कोई शौक पूरे नहीं कर पाता था मगर कैरल उसकी कोई बात नहीं सुनती। जीको ने कैरल से तंग आकर उसकी हत्या करने का मन बना लिया था। 24 फरवरी से कुछ दिन पहले जीको ने कैरल से अच्छे से बात करनी शुरू कर दी ताकि कैरल को लगे कि जीको उसके पास वापस आ गया है और 23 फरवरी को जीको ने कैरल से 5 बार बात करी ताकि उसको लगे कि उसका लॉन्ग डिस्टेंस बहुत अच्छा चल रहा है और उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता था। कैरल अपने टूटे रिश्ते को वापस जुड़ता देख खुशी के लिए हामी भर देती है। 24 फरवरी को वो अपना लैपटॉप वाला बैग लेकर घर से अपनी माँ को मेडिकल टेस्ट का बोलकर निकलती है। उसके बाद से वह जीको से तय की गई जगह पर मिलती है पर उसे नहीं पता होता कि बुलेट पे उन दोनों का पीछा कर रहा था। वारदात को अंजाम देने से पहले जीको ने कैरल को खूब घुमाया और उन्हें रात हो गई। रात होने के बावजूद वे दोनों साथ थे और कैरल ने अपनी माँ को फोन करके ये बता दिया कि वह रात को लेट हो जाएंगी। इसी दौरान मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे रुक कर कैरल और जीको के बीच में बातचीत चल रही थी तो शादी की बात पर दोनों में बहस होने लगी और जीको ने कैरल का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। कैरल ने जीको से छुड़ाने की बहुत कोशिश करी मगर वो सफल ना हुई। जीको का दोस्त अपने साथ कैटरिंग वाली चाकू लेकर आया था और उसने कई बार कैरल पर वार किया उसके साथ। चाकू का निचला हिस्सा कैरल के अंदर ही रह गया और फिर जीको के दोस्त ने चाकू का हैंडल वहीं जंगल में फेंक दिया और वहाँ पास पड़े पत्थर से कैरल के चेहरे पर बहुत से वार किए ताकि कैरल को कोई पहचान ना सके और उसको वही नाले में फेंक कर चले गए। इसके बाद पुलिस ने जीको और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया और कैरल की स्कूटी लैपटॉप फोन और हत्या में बरते गए चाकू को भी अपनी हिरासत में ले लिया।
बाद कैरल के रिश्तेदारों ने और सेंटा क्रूज में रहने वाले लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को सजा देने की मांग करी, और पुलिस ने दोनों दोषियों को सबूत मिटाने और कैरल का कत्ल करने के जुर्म में हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी कैरल मिस्किटा के कत्ल की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।